हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक रोचक जानकारी। तो आइए हम देखते हैं, क्या आप जानते हैं देश, विदेश और परदेश शब्द में अंतर। दोस्तों, बहुत से बच्चे इन तीनों शब्द में कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत से बड़े लोग समझते हैं कि परदेश शब्द का अर्थ विदेश होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। परदेश शब्द का संबंध विदेश शब्द से नहीं है। बहुत से बच्चों को और बड़ों को इन तीनों शब्द के बारे में पता ही नहीं होता है, इसलिए आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि देश शब्द का क्या अर्थ होता है, जिसमें हम रहते हैं, यानी कि दोस्तों जिसमें हम सब रहते हैं वो हमारे लिए कहलाता है देश। तो आइए अब हम जानते हैं कि विदेश शब्द का क्या अर्थ होता है। जब हम किसी दूसरे देश में प्रवासी बनकर रहते हैं, यानी कि दोस्तों जब हम किसी दूसरे देश में प्रवासी बनकर रहते हैं तो वो हमारे लिए कहलाता है विदेश। या फिर हम किसी दूसरे देश में जाते हैं, यानी कि दूर के देश में जाते हैं, तो वो भी हमारे लिए कहलाता है विदेश। जैसे जापान है, चीन है, लंदन है, पेरिस है, फ्रांस है, ऐसे देशों को के लिए हम प्रयोग करेंगे विदेश शब्द का। या फिर दोस्तों जब उस देश से कोई हमारे भारत देश में आता है तो हम उस नागरिक को कहेंगे विदेशी। तो आइए अब हम जानते हैं कि परदेश शब्द का क्या अर्थ होता है। जब हम भारत के ही किसी अन्य प्रदेश में रहकर गुजर बसर करते हैं, दोस्तों प्रदेश मतलब होता है राज्य और गुजर बसर का मतलब होता है रोजी रोटी, तो परदेशी कहलाते हैं। यानी कि दोस्तों जब हमारे भारत देश का कोई नागरिक हमारे भारत देश के ही किसी प्रदेश में जाकर रहने लगता है रोजी रोटी कमाने के लिए, तो वो कहलाता है परदेशी। दोस्तों जो परदेश शब्द है वो प्रदेश शब्द से आया है, क्योंकि दोस्तों बहुत से लोगों को प्रदेश शब्द कहना नहीं आया तो उन्होंने इस प्रदेश शब्द को परदेश शब्द रख दिया। दोस्तों अब तो आपको मेरी बात समझ में आई गई होगी कि परदेश शब्द का अर्थ विदेश शब्द नहीं होता है, और अगर आप बच्चे हैं तो आपको भी पता चल गया होगा। और अगर आ गए हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।